हेलो गाइस, आज के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और 25 जून का दिन है आज, नॉट अ वेरी प्लेजेंट डे क्योंकि धूप निकली हुई है थोड़ी थोड़ी। एंड आई एम हेडिंग आउट समवेयर टू सीक समथिंग फॉर लंच विद अलीशा। तो लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं आज हम लंच के लिए। This song by B Prak is one of my favorites these days. तो B Prak का ये गाना तो सबने सुना ही होगा, but do you guys know कि B Prak का original name क्या है? Well, जब मुझे पहली बार पता चला था, I was surprised to know उसका real name is प्रतीक बच्चन। वैसे एक इंडस्ट्री में दो दो बच्चन है भाई, लेकिन कोई दूसरे को you know value ही नहीं करता। यही होता है nepotism। ये सबको पब्लिक नहीं करना, पब्लिक नहीं करना चाहती कि उसको गिनी बंस के रोल्स और पास्ता बहुत पसंद है। एंड वी हैव जस्ट रीच सेक्टर, एवरीवन इज लाइक कि तो पूरे सारे व्लॉग्स में खाती रहती है। हाँ, तो वी हैव जस्ट रीच सेक्टर 36, बट यहाँ पे यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्लोज्ड, सो लेट्स चेक आउट द सेक्टर 36 मार्केट एंड सी व्हाट वी कैन फाइंड। अलीशा के फ्रेंड्स के लिए राइट। मुझे सुनने में आ रहा है कि आप लोग कह रहे हो कि अलीशा हर व्लॉग में खाती रहती है। कहाँ खाती रहती है, वो कुछ नहीं खाती। अगली ऐसे ही झूठ बोलते हो तुम लोग, कहाँ खा रही है, नहीं खाती। अगली क्या करने आई, झाड़ू पोछे करने आई है यहाँ पे, कुछ नहीं खाती अगली। भाई ये देखो क्या ही खाती है। तो आज के बाद ऐसा मत कहें प्लीज, बिल्कुल कुछ नहीं खाती है, वैसे ही आती है बाहर। This is what she just got from guinea buns. Even you guys can come to sector 36 guinea buns. मैं तो कभी आया नहीं, मतलब अलीशा बताती है कि इनके रोल्स और पास्ता अच्छे हैं, बाकी लग तो रही है। That's sector 38 चंडीगढ़। तो लंच तो कर लिया अलीशा और मैंने, नाउ वी आर जस्ट हेडिंग होम। एक बार घर वालों को भी मिल लें, सुबह तो भाग दौड़ में इतना वक्त नहीं मिलता उनसे मुलाकात करने का। लाइफ कुछ ऐसी हो गई है, समझ ही नहीं आता दिन कब चढ़ता है कब खत्म होता है, तो चीजों के लिए वक्त निकालना ही पड़ता है, जिंदगी तो वक्त देती नहीं। So here are some glimpses of sector 38. कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि आप जो व्लॉग देख रहे हो आप कौन से सिटी में हो, पता तो चले हमारा व्लॉग पहुंच कहां कहां पर है। लुक एट दैट ब्यूटीफुल ट्री आउट देयर, वाओ दैट्स द ब्यूटी ऑफ चंडीगढ़। भी आती मिलने आ जाती है सबसे पहले, सो डेडिकेटेड, वैगिंग अ टेल। हाँ, सो रही थी ये। सो वी आर मेकिंग वाटरमेलन स्लश, जो कि क्रिस्टी को भी बहुत पसंद है और अलीशा को भी बहुत पसंद है। बेसिकली नोबडी हेट्स वाटरमेलन, दैट इज़ फॉर श्योर। और क्रिस्टी भी देखो इंतज़ार कर रही है वाटरमेलन स्लश के बनने का, लाइक शी सिटिंग राइट देयर एंड वेटिंग कि भाई आज तो हम भी पियेंगे। Done with the stuff at home. I've just reached my office and we have a client coming over to meet us. So chalte hain office, chalte hain wahan ke kaam mukate hain and let's see what the evening has for us. So I'm in sector 40 right now aur shaam ho chuki hai. The sun is about to set. To come out to buy a pedigree for Christy. And there you see that, that's pet vanity vehicle. So if you're looking for doorstep grooming, bathing and all that for your pets, they are the ones to call up. So I've just taken pedigree for her and about to go home.
That's the sun setting down. Glimpses from Sector 40. Looks good. More beautiful when you check it out with your own eyes rather than the lens. Guys, so I hope आपको आज का vlog अच्छा लगा हो. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वो सब कर दो जो एक अच्छे व्यूअर को करना चाहिए. उसके अलावा अगर आप ये पहला व्लॉग है जो मेरा देख रहे हो तो डोंट मिस आउट टू वॉच द अदर वंस. हेयर आर टू ऑफ दोज कमिंग अप, आप उनको चेकआउट कर सकते हो. टू ऑफ दोज राइट. मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ विद अ न्यू डे दैट वी आर गोना स्टार्ट टुगेदर. सो टेक केयर, बाय बाय. सब्सक्राइब जरूर कर देना.